एडवांस एक्सेल की हमारी क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ। डेटा सेपरेशन एंड डेटा जॉइंट्स के बारे में हम आपके साथ सीखेंगे। तीन नंबर क्वेश्चन में ही चलेंगे। फॉर्म ऑफ क्लास देते हैं तो यहां मान लीजिए मैंने लिखा ईमेल आईडी कि kumar@iptindia.com। अब मुझे इसको सेपरेट करना है, तो बेसिकली किसी भी टेक्स्ट को अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं तो तीन फॉर्मूला होता है। सबसे पहला फॉर्मूला होता है लेफ्ट का, जो कि लेफ्ट से जितना डिजिट आप चाहते हैं उतना डिजिट वो लेफ्ट से अलग कर देगा। देन राइट का फॉर्मूला लगाते हैं और यहाँ पे डालते हैं राइट का फॉर्मूला, जो राइट से जितना डिजिट अलग होगा उतना अलग बन जाएगा। और बीच से अलग करने के लिए हम मिड का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मिड के फॉर्मूले में सबसे पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और फिर दें कि आपको मिड कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि सिस्टम में कैसे पता चलेगा कि आपका मिड कहाँ से है। तो मेरा मिड जो है ये थ्री से है तो 1 2 3 तीन करेक्टर डॉट चौथा हो गया, अगेन 3 पांचवा हो गया, तो 5 से तीन करेक्टर को अलग कर दो। ये तीनों करेक्टर को देखिए अलग कर दिया, तो लेफ्ट मिड और राइट तीन फॉर्मूले। बट प्रॉब्लम कब होती है, जब मुझे एक डायनेमिक करना हो। जैसे मान लीजिए मुझे इसमें से आईडी को और डोमेन को अलग करना, मतलब कि वेबसाइट को अलग करना है, तो यहां हम लिखते हैं लेफ्ट का फॉर्मूला। लेफ्ट इसको सेलेक्ट करते हैं, बोलते हैं 5, तो kumar@iptindia.com में से 5 लेटर को अलग कर लिया और यहां पे कुमार दिखा दिया। डोमेन कैसे अलग करेंगे, अब कुमार में हो सकता है सुजीत कुमार हो, राजीव रंजन हो, तो ऐसे चेंज हो सकते हैं ना। तो यहाँ हमारे पास एक फाइंड का फॉर्मूला होता है, फाइंड और सर्च दोनों जो कर सकते हैं। वो क्या करता है कि एट द रेट को सर्च करेगा इसके अंदर, रिजल्ट 6 आया तो फिर हम फाइंड में जो माइनस लिखे थे उसके जगह पे 6 को सिलेक्ट करके माइनस 1 कर देंगे, तो यहां क्या आ जाएगा, कुमार आ जाएगा। फिर डोमेन में हम फॉर्मूला लगाते हैं राइट का, राइट में हम इसको सेलेक्ट किए और मैं यहां लेंथ, इसकी कंप्लीट लेंथ, लेंथ फॉर्मूला क्या करता है, इसकी कंप्लीट लेंथ को लेता है और उसमें से 6 को हम माइनस कर दिए, तो ये डायनेमिक हो गया। तो यहाँ जहाँ जहाँ हमने 6 का रेफरेंस लिया हुआ है वहाँ पे हम फाइंड फॉर्मूले को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। जैसे A3 में पेस्ट कर दिए और यहाँ यहाँ भी A3 है, यहाँ पेस्ट कर दिए, तो कुमार एट यहाँ पे और iptindia.com। समझ में आया आपको, क्लियर है? जयवर्धन जी को डाउट इसमें? नहीं सर। अब चलिए सेपरेशन तो कर लिया, अब ज्वाइंट की बात आती है। अब मैं यहां पे सुजीत लिखता हूं, और यहां पे कुमार लिखता हूं, सुजीत अलग लिखा और कुमार को अलग लिखा। अब इनको ज्वाइन करना है तो इसके लिए हमारे पास कॉनकेटेनेट का फॉर्मूला है। इसमें शुरुआत किया इसको सेपरेशन देने के लिए, स्पेस सेपरेट को सिलेक्ट किया और यहाँ कुमार को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया तो आप देखिए सुजीत कुमार लिखा हुआ आ गया, राइट सर। लेकिन इसको हम एक n% के सैंपल से भी कर सकते हैं,
एन परसेंट का सिंबल लगाया, स्पेस, अगेन एन परसेंट का सिंबल, और फिर यहां पे कुमार कर दिया। ओके यस लेकिन अगर कोई लिस्ट हुआ तब क्या करेंगे? जैसे मेरे पास इस तरह का लिस्ट है, क्योंकि कॉनकेटेनेट फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं तो क्या होता है कि आप एक एक करके दे सकते हैं ना। कॉनकेटेनेट फॉर्मूला में एक इसको सेलेक्ट करेंगे कॉमा, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे कॉमा, तो काफी लंबा लिस्ट होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो यहां हम लोग क्या करते हैं, दो फॉर्मूले, एक है कॉनकेट का फॉर्मूला, सेलेक्ट करके एंटर मारते हैं तो आ जाता है, बट इसमें सेपरेटर नहीं लगता है। एक आता है टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला, जिसमें हम सेपरेटर लगा सकते हैं, ब्लैंक को स्किप कर सकते हैं और टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा ज्वाइन हो जाएगा। तो कॉनकेट टेक्स्ट ज्वाइन करना समझ में आ गया, बट प्रॉब्लम क्या होती है जब कोई डेट को हम करते हैं, जैसे 1 जनवरी से आज की डेट है और मुझे इसको करना है कॉनकेट, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा में लिखा कि फ्रॉम स्पेस दिया एन परसेंट, हमने इसको सेलेक्ट किया, देन एन परसेंट स्पेस टू स्पेस एन परसेंट, हमने इसको सेलेक्ट किया, राइट, एंटर प्रेस किया तो क्या आ गया, तो नंबर हो गई कोई, क्योंकि डेट की जो ओरिजिनल फॉर्मेट होती है और नंबर ही होती है, और फॉर्मूला हमेशा ओरिजिनल पे वर्क करता है। लेकिन मुझे इसको डेट चाहिए, तो जो आपने डेट सिलेक्ट किया ना A22, आप A22 डायरेक्ट मत सिलेक्ट कीजिए, इसको डालिए टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर, और इसमें डालिए DD जो कस्टम फॉर्मेटिंग में मैंने आपको सिखाया था वो डालिए, राइट सर, यस सर। और यहां भी सेम कि टेक्स्ट, और हमने यहां भी सेम कर दिया कि कॉमा DD/MMM/YY और एंटर, अब दोनों ज्वाइन हो गए, ठीक है। अब चलिए कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले हैं उसको देख लेते हैं टेक्स्ट में। सबसे पहले हमने कैर पढ़ लिया, क्लीन पढ़ लिया, कोड कॉन्केट पढ़ लिया, डॉलर। अब जैसे कि हमने नंबर पे डाला हुआ है, अब इसको हम अगर डॉलर फॉर्मूले में डालें तो इस तरह से सिंबल के साथ, जो भी आपका जो डिफॉल्ट सिंबल उसके साथ दिखेगा। इसका फायदा है कि इस पर किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग वगैरह करेंगे तो अप्लाई नहीं होगा। और इसी में एक फिक्स्ड आता है, फिक्स्ड क्या करता है कि आपको फिक्स्ड करके दे देता है, ये भी सेम होता है बट डॉलर साइन नहीं लगाता है। उसके बाद आता है एग्जैक्ट, हमने यहाँ पे राम लिख दिया और यहाँ पे राम लिख दिया, दोनों में नॉर्मल इफ अगर आप लगाते हैं तो इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है सर, ट्रू आएगा। लेकिन मुझे एग्जैक्ट मैच करना है कि जब हम सेम किट्टो होना चाहिए, तो उस केस में हम एग्जैक्ट का फॉर्मा लगाते हैं टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, एंटर प्रेस कीजिए, फॉल्स आएगा। ट्रू कब आएगा, जब एग्जैक्ट लिखा होगा, जैसे कि RAM, तब ट्रू आएगा, ये आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला करती है। फाइन आपको मैंने प्राई दिया, फिक्स प्राई दिया, लेफ्ट लेन प्राई दिया, अब केस चेंज करने के कुछ फॉर्मूला होते हैं वो जान लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे सुजीत कुमार सिंह लिख दिया, अब यहाँ पे अपर का फॉर्मूला लगाएंगे तो अपर हो जाएगा, लोअर का लगाएंगे तो लोअर हो जाएगा, प्रॉपर का लगाएंगे तो हर वर्ड कैपिटलाइज हो जाएगा। हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, ये हमारा केस चेंज करने का फॉर्मूला था। अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं, हमने आपको रिप्लेस सब्स्टिट्यूट पढ़ा दिया, फाइंड और सर्च एक ही जैसा होता है, राइट लेफ्ट भी पढ़ा दिया, टेक्स्ट टेक्स्ट ज्वाइन भी पढ़ा दिया, अपर भी पढ़ा दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कि अगर नंबर टेक्स्ट में लिखा हुआ है
तो इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम वैल्यू का फॉर्मूला लगा सकते हैं, नंबर वैल्यू का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर कोई नंबर में लिखा है उसको टेक्स्ट करना है तो टेक्स्ट वैल्यू टू टेक्स्ट, क्योंकि जैसे कि आप इसको ज्वाइन कर इक्वल करोगे तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो आपको इसको ऐसा कर देना ताकि दोनों मैच कर जाए, तो वैल्यू टू टेक्स्ट फॉर्मूला लगाते हैं। अब इसमें लास्ट फॉर्मूला होता है रैप्ट का, इक्वल RETT रैप्ट। रैप्ट फॉर्मूला का काम है किसी भी लेटर को जितना मर्जी उतना बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे 5 कर दिया ये 5 बार रिपीट हो गया, 10 कर दूंगा तो 10 टाइम रिपीट हो जाएगा, 15 कर दूंगा तो 15 टाइम रिपीट हो जाएगा। तो रैप्ट फॉर्मूला का काम क्या है, रिपीट करने का, समझ गए? क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। चलिए अब इसकी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। टेक्स्ट कैटेगरी फॉर्मूला मैंने कवर कर दिया, कल की क्लास में हम